बात यही कि लॉर्ड ये सब तो इतना छोटा बना दिया गया है। आदि पुरुष में मैं देखता हूँ कि ट्रेलर आता है, रिव्यू उसका टीजर रिव्यू आता है, रिव्यू जितने भी जो हमारे सेकुलर शो कॉल्ड सेकुलर जो अपने आप हिंदू तक नहीं मानते ऐसे लोग भी उसका रिव्यू करते हैं। तो ऐसे लोगों के रिव्यू के द्वारा क्या कहा जाता है, भगवान लॉर्ड, लॉर्ड राम, लॉर्ड हनुमान। तो आप जो है लॉर्ड शब्द इतना घटिया शब्द है, आप बोलोगे इसमें क्या है, लॉर्ड तो हम इज्जत देने के करते हैं, तो यही इज्जत तो आप उसको भी देते हो ना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले कौन है, वही घटिया आदमी है जो कि जो है इंग्लिश एजुकेशन लैक्ट लैक आके हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा को तहस नहस करते, भारत भारत जो धरा थी, जो हमारी संस्कृति का जो आधार था उसी को ही बर्बाद कर देता है, और जो अपने जो इंग्लैंड बच्चों को, इंग्लैंड के जो काले अंग्रेजों को छोड़ के जाता है, जिसके कारण आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो इतना मुश्किल मुश्किल संघर्ष कर रही है और आज कैसे कैसे करके उठ रही है। तो ऐसे घटिया लोगों को लिए हम लॉर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेज वालों के आप देखोगे किताब पुस्तक पढ़ोगे सभी के नाम कह के लॉर्ड लिखा होता है, जज साहब जो कि उन्हीं के द्वारा छोड़ के गया गया है, कि वकील जो है जिनको बोलते हैं माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड ये, माई लॉर्ड वो। तो लॉर्ड जिसके लिए इतना छोटा शब्द, इतना तुच्छ शब्द हो चुका है, आप इसके लिए हमारे भगवान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो, ऐसे शब्द का प्रयोग हम अपने भगवान के लिए कर सकते हैं क्या? आप अपने इष्ट के लिए, क्या अपने आराध्य के लिए, आप श्री कृष्णचंद्र जी के लिए, आप श्री रामचंद्र जी के लिए, आप हनुमान जी के लिए, क्या आप ऐसे शब्दों का, इतना घटिया शब्दों का प्रयोग सुनना चाहो कि लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड श्री कृष्ण? इसलिए ये शब्द इतना घटिया शब्द है जिसका हम आसानी से प्रयोग कर देते हैं कि लॉर्ड हनुमान ये है। आदि पुरुष में लॉर्ड श्री राम को ऐसे दिखाया गया है, इतने घटिया शब्द है लॉर्ड, इसका जो है आप हमारे भगवान के साथ ऐसे ही श्रेणी में आप रख रहे हो कि इन घटिया अंग्रेजों की तरह क्या उनको भी जो है लॉर्ड कह के जो है उनका अपमान सह सकोगे? तो आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हो, लॉर्ड शब्द के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि ये शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है और वो भी अंग्रेजों द्वारा ही उपयोग किया जाता था, इसीलिए वो जो अपने नाम के आगे जो है आदरणीय लगाने के लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड डायर, वही डायर जिसने क्या बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड करवा के इतने सारे लोगों का नरसंहार किया था, उस जनरल डायर को जो है भी लॉर्ड कहते हैं लोग। सोचो ऐसे से निशंस हत्यारों को जो है लोग जो है लॉर्ड कह के बुलाते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि इन इन जैसे घटिया इंसानों को, इन जैसे धूर्त जो व्यक्तित्व थे उनका जो है नाम का कंपेरिजन हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ किया जाए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ किया जाए? तो क्या आप ये सह सकोगे कि सनातन में जो हमारे धर्म ध्वज रक्षक है, जो हमारे लिए धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, जो नीति के ज्ञान देने वाले हैं, उनके उनको नाम के आगे आप लॉर्ड लगाना चाहोगे? तो सोचो इतना घटिया शब्द है लॉर्ड, अंग्रेजी का एक शब्द जो है बहुत सारी मीनिंगें रखता है जिसको हम ऐसे ही प्रयोग कर देते हैं, हम उसके बारे में पता भी नहीं होता। वैसे ही जो है शिवलिंग को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई, जहाँ शिवलिंग को जो है लोग लिंग के समझ के जो है उसको जो है प्राइवेट पार्ट से जोड़ते हैं। इस पर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि शिवलिंग का अर्थ जो है एक अनंत अर्थ है उसका, उसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा समय लगेगा। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो शिवलिंग में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। वो भगवान शिव का जो है शिवलिंग जो है एक जो है प्रकृति और जो परम तत्व है उसका मिक्सचर होता है, दोनों मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो कारण है वो शिवलिंग में छुपा हुआ है, तो इसके एक वीडियो बनाएंगे। तो बात यह था कि लॉर्ड शब्द इतना घटिया शब्द है, जैसे हम शार्दुल ठाकुर कभी फेमस हुए थे, अगर आप जानते हो लॉर्ड ठाकुर के नाम से, तो ऐसे ही किसी को भी कुछ भी नाम दे देते हैं, सर जडेजा बोल देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टाइटल जो घटिया इंग्लिश के टाइटल है, ये तो हम आदमियों को दे सकते हैं, इंसानों को दे सकते, समझ में आता है। लेकिन आप भगवान श्री रामचंद्र जी को लॉर्ड बोल रहे हो, आप श्री कृष्णचंद्र जी को लॉर्ड बोल रहे हो, हनुमान जी को लॉर्ड बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पास शब्द की कमी है भगवान श्री राम बोलने के लिए, श्री राम बोलने के लिए या जय श्री राम बोलने के लिए? क्या कोई कमी है हमारे पास हिंदी शब्द में, और क्या हमारे वर्णमाला में, हमारे वोकैबुलरी में क्या कोई शब्द की कमी है जो कि आप इंग्लिश से उठा के भगवान को लॉर्ड बोल रहे हो? तो ये सुधार अवश्य करो। आप इस करो क्या कहने कोर्स को जरूर बताइएगा कि क्या आप भी लॉर्ड का प्रयोग करते हो हमारे भगवानों को संबोधित करने के लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझसे जय श्री राम और हर महादेव।